हेलो देवन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोडक्ट टेबल के बारे में। ये तो सबने सुना होगा कि प्रोडक्ट टेबल क्या होती है। ये हमारी 10th क्लास की बुक में भी दी हुई होती है। ये यहाँ पर मैंने स्लाइड्स ऊपर डाला हुआ है। अच्छा, तो इसके अंदर प्रोडक्ट टेबल में होता क्या क्या है? ये प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो है हमारे, जैसे कि ये जो हमारे एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं, ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सारे जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये टू ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ये होते हैं। इसमें देखो 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग टू ग्रुप्स होते हैं, स्टार्टिंग टू ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट। और जो हमारे लास्ट 13 to 18 6 हैं ये टोटल, ये होते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट। और बीच वाले हैं 3rd to 12, ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये दोनों जो हैं लास्ट, ये दोनों होते हैं हमारे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड वाले ग्रुप, ये दोनों होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, जो हमारे एस ब्लॉक होते हैं उसके अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, और पी वाले के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और एफ वाले के अंदर होते हैं 14, और डी के अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, उसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी फर्स्ट है अल्कलाइन मेटल, सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। 13 ग्रुप को कहते हैं बोरोन फैमिली, 14 ग्रुप को कहते हैं कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप को कहते हैं चालकोजन ग्रुप, 17 ग्रुप को कहते हैं हेलोजन ग्रुप, और 18 ग्रुप को कहते हैं नोबल गैसेस। और डी ब्लॉक जो हमारा 13 to, ये यहाँ तक आता है 13 to 12, ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है, आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम किसे याद रखेंगे। इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ेगी, जिसको याद रख के आप जो इनके नाम जो लर्न कर सकते हैं इजिली। फर्स्ट है हे लीना ना कर रब से, हे लीना ना कर रब से फरियाद। इसमें क्या होगा, हे मतलब हाइड्रोजन, लीना लिथियम, ना सोडियम, कर पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रेमियम, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप पे आते हैं बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोया। इस तरीके से आपको क्या होगा कि इसका फर्स्ट लेटर मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएंगे, जिससे कि आप फिर इसको ईजिली याद रख पाएंगे। फिर है 13 ग्रुप पे आ जाइए। 13 ग्रुप पे क्या है, बैगन आलू गोभी इन थैला, ठीक है। कल कलकत्ता से गए सब पंजाब, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। उसके बाद आते हैं 16 ग्रुप ओ स से टी पो। फिर है 17 ग्रुप, ये हमारा हेलोजन ग्रुप। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे हेलोजन ग्रुप ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो किसी से भी रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर कल बाजार आई आंटी, ठीक है। उसके बाद लास्ट है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या करती हैं, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। और जबकि आप 12th क्लास के अंदर ये पढ़ोगे कि जो जीनोन है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है कि रिएक्शन करता है, जबकि ये भी फुलफिल इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो बैलेंसी कम्प्लीट होती है, ये खुद में स्टेबल होते हैं कि किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, जबकि जीनोन जो है इसमें वो रिएक्शन करता है। हे नेहा आरती कर एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा आएगा, इस तरीके से आप इसे लर्न रख सकते हैं। और ये वीडियो जो है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।